गले की खराश, सूखी खांसी से पाइए छुटकारा सिर्फ एक बार में। हमारी YouTube चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी में आपका स्वागत है। देखिए, अगर आपको भी गले में ऐसा लगता है कि गले में खराश हो गई है या फिर आपके गले में सूजन सी रहती है, आपको खाने पीने में कोई दिक्कत आ रही है, और कई बार जब आपके गले में खराश रहती है तो इसकी वजह से आपको खाने पीने में भी दिक्कतें आती हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि गले में छोटी छोटी बारीक फुंसियाँ हो गई हैं, पानी पीते टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा गला दुखता है, सूखी खांसी होने की वजह से गला बहुत ख़राब रहता है, तो आज मैं एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जो कि पुराने टाइम से यूज़ किया जाने वाला एक नुस्खा है, और इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से आपको तुरंत फ़ायदा दिखाई देता है। देखिए, अगर आप गले की इन्फेक्शन में या गले की खराश जब बढ़ जाती है सूखी खांसी में, आप बहुत तेज़ गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं, तो इससे आपके गले को नुकसान पहुँचता है। स्टार्टिंग में आपको रिलीफ मिलता है, बट धीरे धीरे आपका जो गला है वो ख़राब हो जाता है। तो सूखी खांसी और गले की खराश को दूर करने के लिए, गले की हर एक समस्या को ठीक करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सटीक उपाय बता रही हूँ। इसके लिए बस सिंपली आपको करना ये है कि आप पानी को गर्म कीजिए, अच्छी तरह से आप इस पानी को उबाल लीजिए। पानी जब अच्छी तरह से उबल जाएगा तो आप इसको थोड़ा ठंडा कर लें और एक ग्लास के अंदर निकाल लें। उसके बाद गाइस, आप यहां पर ऐड करेंगे इसमें नमक, आपको सेंधा नमक ऐड करना है, और उसके बाद हल्की मात्रा में अ पिंच ऑफ टर्मरिक आप इसके अंदर डाल दें। जितनी क्वांटिटी आपको बता रही हूं उतनी ही मात्रा लीजिएगा। अगर आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो फिर ये आपके गले को नुकसान भी पहुँचा सकती है, क्योंकि अगर आप इनकी ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो ये तासीर इनकी गर्म होती है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप इनकी कम मात्रा का सेवन करें। हल्के गुनगुने पानी से आप गरारे कर सकते हैं, और फिर जो पानी बचता है आप उसको पी जाइए। और दोस्तों, आपको एक बार में नहीं पीना, आप थोड़ा थोड़ा करके इसको पी सकते हैं। इससे गले की खराश में बहुत ज़्यादा रिलीफ पहुंचाता है। ये सेंधा नमक एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, और भी कई सारे बेनिफिट इसके होते हैं। तो ये जो रेमेडी है आपके गले की हर एक समस्या पर काम करेगी। अगर आपको खाने पीने में कोई भी दिक्कत आ रही है, गले में सूजन सी फील होती है, आपको खाया पिया नहीं जा रहा है, गले में आपको इन्फेक्शन है, या फिर सूखी खांसी होने की वजह से गला अंदर से सूखा सूखा रहता है, तो उसमें भी ये बहुत इफेक्टिव है। दोस्तों, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है। अगर आपकी कोई और हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।